सिंगल डे व्लॉग नहीं, ये दो तीन दिन का व्लॉग होगा क्योंकि कल है 23 तारीख और कल हम लोग वृंदावन वापस जा रहे हैं क्योंकि वहाँ मैं कहना चाहती थी हाँ। निकु दी आपकी एक फोटो ले लो, निकु दी बुक बन जाती थी। क्यों फोटो क्यों ले लिया सीपीयू? माय नेम इज रिद्धमा। माय नेम इज रिद्धमा श्रीवास्तव। ये मेरी बड़ी बहन। तो आप देख लिए, ये मेरी छोटी बहन, मैं इसकी बड़ी बहन। ये बहुत चुलबुल है, आप वैसे इससे वाकिफ होंगे। इसके साथ मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, नहीं देखी आप लोगों ने, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। शी इज अ टोटली अ चैटर बॉक्स। उस वीडियो का बहुत चतुर आदमी है। मैं बहुत चतुर आदमी हूँ। क्यों पता है? ये एक दिन मुझे नहीं बुलाई और खुद पिज्जा खाने चली गई। किसके साथ? सागर भैया के साथ। ये इसको ये चीज डाइजेस्ट नहीं हो रही। एक बार अभी नहीं, लाइक एक महीने हो गए इस बात को। तब क्या हुआ था कि ये मेरे साथ खेल रही थी एंड उस दिन सागर घर पे आया था और मेरे को क्रेविंग्स थी पिज्जा खाने की और हम लोग पिज्जा खाने चले गए, इसे नहीं लेके गए एज फॉर दी कोरोना, क्योंकि स्टिल यहाँ पे केसेस कम थे लेकिन बच्ची है तो इट वॉज अ रिस्क फॉर हर। बट वो मुझसे और सागर से टोटली गुस्सा हो गई थी और तभी से अभी तक कहती है कि ये मुझे अकेला छोड़कर पिज्जा ठूसने गई थी। दैट्स व्हाई शी इज टेलिंग दैट। अच्छा, इसके बाद ये है कि हाँ सही बात, दुख अपना जाहिर कर दो। तो जब मैंने इसकी लिंक के बारे में आपको बता दिया और कल मैं जा रही हूँ वापस वृंदावन, सो आई एम गोइंग टू व्लॉग। आज का दिन मेरा लास्ट दिन था। बता, जब वापस चालान पर आएंगे ना तो फिर देखो इसमें फिर सागर भी हंस करेंगे कि चलो चालान है। बहुत केओस हो रहा है, शी इज टोटली एक्साइटेड। अभी उसको पता नहीं है, कल जब मैं जाने लगूंगी तब ये रोने लगेगी और ये मुझे भी बहुत परेशान कर रही है क्योंकि मुझे शाहजहांपुर छोड़ के जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। मुझे यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा लगता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे रहना, बट स्टिल वृंदावन जाना पड़ेगा क्योंकि वहां पे मेरा हॉस्टल है और मुझे अपने हॉस्टल से सारा सामान निकालना है। इट्स बिन मोर देन 5 मंथ्स की मेरा वहां पे सामान पूरा पड़ा हुआ है, तो इट्स टाइम टू उसको लेके आना है। अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो मैंने अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, मेरी इंजीनियरिंग अभी कंप्लीट हुई है इस कोरोना में, जिसने मेरा सब कुछ, मेरा क्या, मेरे सारे दोस्तों का सब कुछ बिगाड़ दिया, फेयरवेल एंड ऑल। बहुत सारी चीजें मैं आगे आने वाली वीडियो में आप लोगों के साथ इसके साथ शेयर करूंगी इस बारे में। फिलहाल के लिए इतना ही और कीप वॉचिंग। हाँ, ये तो बोला ही नहीं, अरे सब्सक्राइब और वो के लिए प्लीज मेरी जनता बढ़ाए, बोलो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और अगर आपको ये पसंद नहीं आया तो मैं आपके अपना अकेले का वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा। मेरी जनता ढूंढ रही है तू। कितने बदमाश आप देख रहे हैं, बोल क्या बोल रही है, अपना चैनल बना लेगी अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, बदमाश कहेगी। तो आप कीप वॉचिंग, हल्के हल्के कर दो ठीक है। देखो आपको बाल नहीं लग रहे? हाँ नहीं लग रहे। बोलो आप। हाँ, पीयू मेरे बहुत अच्छे से बाल काट रही है गाइस, बिल्कुल बाल नहीं टूट रहा है और आज मुझे एक्स्ट्रा पैम्पर मिल रहा है पीयू की तरह से क्योंकि कल मैं जाने वाली हूँ, तो इसलिए ये आज मुझे एक्स्ट्रा प्यार कर रही है। काट लो काट लो। अपडेट, अभी मैं कर रही हूँ वीडियोस शूट, मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो शूट कर ली और मैं तीसरी करने जा रही हूँ। आज मैं हाईली एनर्जाइज्ड हूँ, मेरे अंदर बहुत एनर्जी है, तो मैंने सोचा यूटिलाइज करके क्यों ना काफी सारी वीडियोस बना ली जाए और मैं 2-3 वीडियो शूट करने के बाद फिर खाना वाना खाऊंगी, तो मैं तब आपसे मिलती हूँ। मैं रेस्ट करने के मूड में चली गई थी, इतनी देर में मैंने अपनी
वीडियो भी शूट, मतलब शूट नहीं, एडिट कर ली। और मैं थोड़ी सी नींद में हूँ, हालांकि मैं सोई नहीं हूँ क्योंकि मैं सुबह भी आज जल्दी उठ गई थी। और अगर मैं दोपहर में सो जाती तो मुझे रात में बहुत मुश्किल होते नींद आती है और मुझे फिर सुबह सुबह जल्दी नहीं उठ पाती मैं, तो इसलिए मैं नहीं सोई। और अभी बज रहे हैं शाम के आई थिंक 5 या 6 बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं, 5 बज रहे हैं गाइज। एंड बाहर अच्छा मौसम हो रहा है, मैं आपको एक व्यू दे देती हूँ। और मैं बाहर घूमने आ गई, हवा चल रही है और ऐसे ही मौसम सा चल रहा है, बारिश होने ना होने का, थोड़ी सी बूंदें पड़ी थी बट बारिश नहीं हुई। एंड मैं पीयू के साथ बाहर ऐसे घूम रही हूँ। सो या लो, धूप भी आ गई, अभी एकदम बादल आ गए तो तुरंत धूप आ गई, यही मौसम कंटिन्यूसली चल रहा है। हेलो गाइस, हेलो, ये मेरी दीदी निकुदी। अपना फेस दिखाइए निकुदी। लो मैंने दिखा दिया अपना फेस। इनने एक चोटी कर रखी है, मैंने दो चोटी कर रखी है। हाँ दिखा दो पास से आके। नहीं नहीं मांसाला, इनने खरीद लिया था। बोली थी कि ये देख के मुझे तुम्हारी याद आ गई, मैंने खरीद लिया। आप बोलिए। सो राइट नाउ गाइज, मौसम अच्छा हो रहा है एंड थोड़ा डिजी सा फील हो रहा है, तो मैं सोची हूँ क्यों ना चाय बना लिया जाए। एंड कोई सिक्योरिटी कोड आया, आई थिंक पापा मेरा कुछ ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड कुछ काम कर रहे हैं, तो मैं अंदर जाके उन्हें अपना कोड देती हूँ और सबके लिए बनाती हूँ चाय। और मुझे ज्वाइन कर रखा है अगेन इन्होंने, पीहून ने, और ये पूरे दिन से मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है, तो चाय बना लेते हैं। चलिए पहले थोड़ा दूर होके बैठो, उन्हें दिख नहीं रही। हाँ बस पता है। हाँ। मेरी मम्मी का एक जियो वाला है, वो बहुत बदतमीजी से बात कर रहा था। कौन है? हसरा बोला कि ये आपका जियो वाला है। अच्छा मम्मी बोली किसको एक बार कॉल, ये हमारा फोन है और इसके अंदर हम लोग नंबर रखे हैं, ठीक है, लगाते हैं। मम्मी कौन सा फोन नंबर है? टाइम मतलब जल्दी जल्दी करो। हेलो, पहले सुनने की कोशिश किया करो। ओके बाय गाइस। मैं हो चुकी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड और बहुत ज़्यादा मेसी, पसीना भी आ रहा है। और मैं जाके लूँगी शार और सारी पैकिंग वैकिंग, और घर को पूरा मैनेज कर दिया है और सामान है बहुत सारा, तड़ा। तो गाड़ी पे कैरियर लगाया है और मेरा सामान सबसे ज़्यादा है, तो लेट्स सी कल कैसे हम लेके जाते हैं। सो मैं आपको सुबह कंटिन्यू करूंगी क्योंकि अभी और कुछ ऐसा एज सच इंटरेस्टिंग बचा नहीं है। सो मिलते हैं कल सुबह। 2000 years. बाय आंटी। नहीं नहीं बाय Unique, got a whole lot of me.
lie to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me this kind of fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. So here is the latest update. एक्सप्रेस वे के थ्रू हम लोग इस बार घर जा रहे हैं, तो यहाँ पे बीच में स्टॉप पड़ता है ना रेस्ट रूम एंड फूड के लिए, तो वहीं पे रुक के अभी हम वॉशरूम होके आए हैं और मम्मी के हाथ की बनी पूड़ियाँ सब्जियाँ खा रहे हैं और फिर यहाँ से कंटिन्यू करेंगे और लगभग हमें 3 से 4 घंटे या फिर उससे ज्यादा भी लग सकते हैं। सो इट वॉज सो एग्जॉस्टिंग। तो फाइनली अब हम लोग पहुंच चुके हैं घर और अभी बज रहे रात के 8:30। हम 4 बजे तक पहुंच गए थे लेकिन बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो गए थे और बीच में मैंने कार चलाई थी इसलिए मैं और ज्यादा शूट नहीं कर पाई व्लॉग को अपनी कार में, क्योंकि एंड में जाके मैंने कार ले ली थी पापा से और मैं चला के लेके आई थी घर पे इसलिए। सो और फिर आने के बाद बहुत से एग्जॉस्ट हो गए थे, बहुत सामान वामान लाना है, थक गए थे, तो इसलिए मैंने कुछ और शूट नहीं किया। सो या इस व्लॉग में बस इतना ही। आई होप यू गाइज एंजॉयड माई व्लॉग एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।